ग्राफ्टिंग किए हुए बैंगन के पौधे में एक साल बाद फ्लावरिंग और फ्रूटिंग किस तरह से होता है वही हम देखेंगे। ये जो पौधा है इसका साल भर हो गया है ग्राफ्टिंग के बाद और ये इसमें फिर से फ्रूट्स लगे हुए हैं। ये लगातार अभी के टाइम में फ्लावरिंग हो रहा है, ये फ्लावर बर्ड्स इस तरह से ये लगे हुए हैं और पौधा काफ़ी हेल्दी है। ये बगल से उसका रूट स्टॉक का भी ये वाला शाखा निकल आया है और एक जो बड़ा वाला दिख रहा है ये लगा हुआ है। इधर फूल और फल लगातार आ रहे हैं। यहाँ नीचे भी एक फ्रूट लगा हुआ है, फूल है वहाँ काफ़ी मात्रा में, इसमें फूल हैं जैसे कि ये यहाँ पर बहुत सारे फूल लगे हुए हैं, फल है। और ये जो दिख रहा है सड़ा हुआ, एक्चुअल में मैं इसका तुड़ाई ही नहीं कर पाया था, इस वजह से ऐसे ही रह गया। अब जैसे कि इस वाले पौधे को भी देखें तो इसमें भी फ्रूट्स लगे हुए हैं और फ्लावर भी आ रहे हैं। यहाँ पर ये तीन फल दिख रहे हैं, इधर ये तीन चार, उधर कोने में छिपा हुआ। इस तरह से इसमें क्योंकि जो प्रोडक्शन का पीरियड होता है, साइकिल होता है, वो लंबा चलता है, यही कारण है कि प्रोडक्शन बढ़ा हुआ रहता है। लेकिन जब मैं तुलना करने के लिए इस पौधे को आपको दिखाऊं, तो ये बिना ग्राफ्टिंग किया हुआ है और इसका जो लाइफ साइकिल है वो लगभग समाप्त होने वाला है और इसमें इतना कैपेसिटी अभी क्षमता बचा नहीं है कि ये नया प्रोडक्शन कर पाए, इसमें नए फ्लावर आ पाएँ या फिर फ्रूट जो है सेट हो पाएँ, उतना इसमें क्षमता बचा हुआ नहीं है। तो ये विदाउट ग्राफ्टिंग है ये, जबकि जो वैरायटी है वो सेम है।